Now we move to the second part of this chapter, expressing concentration of solutions. मतलब कि हम solutions को quantitatively कैसे express करते हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। So यहाँ पे हमारे पास total 7 categories हैं जिनसे हम 7 types हैं जिनसे हम किसी भी solution की concentration को express कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि जो भी आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसकी आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप सॉल्यूट का मास लिखोगे, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप सॉल्वेंट का मास लिखोगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये आपका निकल आता है मास परसेंटेज, ठीक है। फिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसमें आप किस 100 ml में कितना मास डिसॉल्वड है सॉल्यूट का, इसको आप ऐसे डिफाइन करते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें ये जनरली तब यूज होता है जब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब ट्रेसेस में प्रेजेंट है, ठीक है। देन वी एक्सप्रेस द प्रेजेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इन ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसे आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट, मतलब वो सॉल्यूट भी हो सकता है सॉल्वेंट भी हो सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of the solution into 10 to the power 6, ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस पार्ट्स पर मिलियन। अब जो मैंने आपको ये 1 to 4 तक जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म्स बताई हैं इनका ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ नहीं है, जो हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो बाकी की तीन हैं जिन्हें मैंने बोल्ड पेन से लिखा हुआ है। दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो सबसे पहला आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि हम इस चैप्टर में बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें दो मान लीजिए पार्ट्स हैं सॉल्यूशन में ए एंड बी, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, दोनों में से कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो यू रिप्रेजेंटेड बाय ज़ाई, ठीक है। जाय ए मतलब ए की मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। एंड जाय बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, सो हाउ डू यू डिफाइन मोलैरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट मोलैलिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स.